हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आज हमारे पास एक नोकिया का फ़ोन है और इस फ़ोन में दोस्तों हमारा सिक्योरिटी कोड लगा है और या फिर हम इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट करना चाहते हैं तो पासवर्ड मांगने लगता है और इसका सिक्योरिटी कोड मुझे मालूम नहीं, जिसके कारण मैं इसे रीसेट नहीं कर पा रहा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हो हमारा फ़ोन का ये जो बटन है वो काम नहीं कर रहा, तो मैं इस पिन को इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि मैच स्टिक्स है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन में जाकर कि क्या प्रॉब्लम है और इस वीडियो में मैं आपको क्या सॉल्यूशन दिया हूँ। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि हमारे फ़ोन में अगर फैक्ट्री डाटा रीसेट करना रहे तो जब हम रीसेट करते हैं फैक्ट्री डाटा, यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स, तो जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड मांगने लगता है, जिसके कारण दोस्तों हमें नहीं मालूम होता है तो हम इस फ़ोन को जो है वो सिक्योरिटी कोड को अनलॉक नहीं कर पाते हैं और ऐसे में हमारा फ़ोन जो है वो फॉर्मेट नहीं हो पाता है। या फिर दोस्तों कह लीजिए कि अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात करते हैं, आप जाते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में और आप अपने फ़ोन में सिक्योरिटी कोड लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले कोड डालना होगा जो कोड इसमें सेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको बगैर सिक्योरिटी कोड जाने आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट कैसे करना है, या फिर अगर आप सिक्योरिटी कोड नहीं जानते हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि सिक्योरिटी कोड क्या है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा, पूरे फुल डिटेल्स में दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा, कोई भी नया ट्रिक आएगा, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या है इसका प्रोसेस। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने सेटिंग्स में जाकर और रीसेट करके फ़ोन को। तो जब आप दोस्तों सेटिंग्स में जाते हो फ़ोन को रीसेट करने के लिए, यहाँ पे देखिए रीसेट, और रीसेट करने के लिए जब आप जाते हो तो आपको सिक्योरिटी कोड मांगता है, जिससे आपको नहीं पता रहता है तो आप जो मन में आता है वो डाल देते हो। हालांकि इसका जो रीसेट पासवर्ड जो है दोस्तों वो 40 अगर आप डाल देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों होता क्या कि कोई कोई के फ़ोन में जो है वो कोड जो एरर बता देता है, क्या होता है कि आप सब जो कोड हैं वो बदल देते हैं और वो कोड आपको नहीं मालूम हो पाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको अपने फ़ोन की बैक बटन पे आ जाना है, आपके डायरेक्ट फ़ोन के होम स्क्रीन पे आना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको करना होगा एक कोड डायल। जी हाँ दोस्तों, आपको एक कोड डायल करना है। और वो कोड है दोस्तों *H7780#। देखिए दोस्तों जैसे ही आप उस सीक्रेट कोड को डालोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ मैसेज चला आएगा और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा दोस्तों कि हमारा कोड जो है वो रिस्टोर हो गया है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, *H7780#। इसके बाद फिर से आपको ओके पे प्रेस करना है। यहाँ की हालांकि मेरा ओके बटन नहीं काम करता है तो मैं इसे प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये रिस्टोर हो गया है। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपका तो फ़ोन रिस्टोर हो गया बट अब आपको पासवर्ड कैसे जानना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना होगा और जब फ़ोन की आप सेटिंग्स में आओगे उसके बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना होगा। देखिए ये रहा सिक्योरिटी सेटिंग्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे में आना है और यहाँ पे आपको एक दिखेगा फ़ोन सिक्योरिटी का, ये फ़ोन सिक्योरिटी का ऑप्शंस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और देखिए ये सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 डालना है।
क्या है कि आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दिए हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल नए जैसा हो गया है, और इसमें आप जो एक पासवर्ड सेट करोगे वही पासवर्ड जो है वो रह जाएगा। और ऐसे भी नोकिया का जो रीसेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 1 2 3 4 5 ही होता है। तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 आपको डालना होगा, इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ से ऑन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ये डन हो गया है दोस्तों। अब आपका फ़ोन जो है वो लॉक हो जाएगा। मैं आपको ऑन कर कर दिखाता हूँ, स्विच ऑफ करके और फिर से ऑन करूँगा। तो आपने देख लिया कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है, और यहाँ पे देखिए कोई पासवर्ड भी नहीं मांगा। और अब मैं आपको बताऊं कि अब चलिए आप अपना सेटिंग्स में जाकर फिर से आप रीसेट कैसे कर सकते हैं। जब सेटिंग्स में आप आओगे तो आपको दिखेगा एक रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स, तो इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। अब जो सिक्योरिटी कोड दोस्तों आप डाले थे 1 2 3 4 5 वही आपको डालना है, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आपका जो रीस्टोर जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि दोस्तों आपको कोई भी पासवर्ड नहीं जानना पड़ रहा, आप एक नया पासवर्ड खुद पे खुद जनरेट कर लिए हो, और बगैर पासवर्ड जाने आप अपने फ़ोन को रीसेट कर लिए हो। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और इसी तरह का ढेर सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।